डियर स्टूडेंट, आज हम प्रतिजैविक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप और हम जब कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है, हमें पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देता है। तो क्या आपने देखा है इन प्रतिजैविक और गोलियों के उत्पादन का स्रोत क्या है या निर्माण का स्रोत क्या है? इनके निर्माण का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। अब हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के बारे में जानेंगे। प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी बढ़ोतरी को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, एंटीबायोटिक किसकी वृद्धि को रोक देती है? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, एंटीबायोटिक का निर्माण किससे होता है? जीवाणु और कवक से एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फिर आगे प्रश्न बनता है, कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। इन प्रतिजैविक का निर्माण किससे होता है? कवक और जीवाणु से होता है। विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। प्रतिजैविक का उत्पादन कैसे किया जाता है? विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। प्रतिजैविक का प्रयोग किस में किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कब की? 1929 में की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे तो वे अचानक क्या देखते हैं? संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद के जीवाणु की वृद्धि को ये बीजाणु रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। अब फिर यहाँ प्रश्न बनता है, बहुत सारे जीवाणु किसके द्वारा मारे गए? फफूंद के द्वारा मारे गए। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, पेंसिलिन का निर्माण किससे हुआ? पेंसिलिन का निर्माण फफूंद से हुआ।